आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव गुरुवार को मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर निशाना साधा, साथ ही विपक्षी एकता पर भी बात की। वहीं राहुल गांधी को शादी करने की दी गई सलाह पर आरजेडी प्रमुख ने कहा कि पत्नी के बिना पीएम आवास में रहना गलत है। उन्होंने ये विश्वास भी जताया कि अगले साल होने वाले चुनाव में उन्हें अच्छी खासी सीटें मिलेंगी। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान पर भी बात की। उन्होंने शरद पवार के राजनीति से रिटायरमेंट पर हो रही बहस को लेकर उनका समर्थन किया है। लालू ने कहा कि बूढ़ा आदमी राजनीति में कभी रिटायर नहीं होता है। दरअसल हाल ही में बने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनसीपी को अपनी पार्टी बताने के बाद कहा था कि शरद पवार की उम्र हो गई है, उनके रिटायरमेंट का समय हो गया है। लालू ने उनकी इस टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा कि भतीजे के कहने से शरद पवार रिटायर नहीं होंगे। उन्होंने पूछा कि क्या कोई बूढ़ा आदमी राजनीति में कभी रिटायर होता है। वहीं विपक्षी एकता पर लालू ने कहा कि 17 दलों के लोग एकजुट हो रहे हैं, भाजपा को जो कहना है कहने दो, उनका सफाया हो जाएगा। शरद पवार एक मजबूत नेता है, लेकिन ये सब उनके भतीजे का काम है, उसका क्या असर होगा। उन्होंने कहा कि अगली बैठक हमारी बेंगलुरु में होगी। इसके अलावा पत्रकारों ने जब राजद प्रमुख से विपक्ष की ओर से पीएम के चेहरे और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को शादी करने की दी गई सलाह के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो भी पीएम बनता है उसे पत्नी के बिना नहीं रहना चाहिए, पत्नी के बिना पीएम आवास में रहना गलत है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के चुनावों में गठबंधन को कम से कम 300 सीटें मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।